सिंड्रेला की कहानी। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। जब सिंड्रेला की वालदा इंतकाल कर चुकी थी तो सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी जिसका नाम था लेडी पफी। लेडी पफी की दो बहुत ही चालाक और जेलेस बेटियां थी। वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे, यहाँ तक एक हेयर ब्रश के लिए भी। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के वालिद को एक लंबे सफर के लिए निकलना था और लेडी पफी ने इसका फायदा उठाते हुए सिंड्रेला से सारे घर के काम करवाए। बेचारी सिंड्रेला पूरा घर साफ कर रही थी। वो लकड़ियां फायरप्लेस तक लेके गई और उसने पूरे घर के लिए खाना भी बनाया। लेडी पफी और उसकी बेटियां सिंड्रेला से बहुत बदतमीजी से पेश आने लगी। सिंड्रेला बहुत गंदी है, इसे हमारे कमरे में मत सुलाया करें। तुम हमारे कमरे में सोती हो इसलिए हमें बुरे ख्वाब आते हैं। तुम यहाँ मेरी बेटियों को परेशान करती हो, जाओ जाके अपने लिए सोने का दूसरा बंदोबस्त करो। बेचारी सिंड्रेला एक बहुत ही मिट्टी से भरे कमरे में बैठ गई। वो एक छोटी खिड़की में से गार्डन की तरफ देखने लगी और जब भी वो खिड़की में जाती स्नो व्हाइट की दोस्त पिजन वहाँ आ जाती। हेलो प्यारे पिजन। थोड़े दिनों बाद जब वो अपना कमरा साफ कर रही थी सिंड्रेला को दो चूहे नजर आए। तुम दोनों कौन हो? हाय, मेरा नाम चिटर है। और मेरा नाम है मोजरेला। और मैं हूँ सिंड्रेला। मुझे पता है तुम लोगों को चीज बहुत पसंद है, मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ इसे एक घंटे से ढूंढ रहे हैं। मगर यहाँ पर तो एक खतरनाक बिल्ली है। अरे उस बिल्ली का नाम है पेपू। कल सबसे पहले मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बगैर आवाज किए किचन में गई। खतरनाक बिल्ली पापू चूहों के घर के दरवाजे की तरफ बैठकर चूहों का इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने बगैर आवाज किए कुछ चीज के टुकड़े उठाए और वापस जाने लगी, लेकिन तभी लेडी पफी की बेटी ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में ये क्या है और तुम कहाँ जा रही हो इसे लेके? ये थोड़ी सी चीज है मेरे नाश्ते के लिए। अम्मी, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी कर रही हूँ? मैं कभी भी कुछ भी चोरी नहीं कर सकती। तुम चोरी करके झूठ बोल रही हो। दोनों चूहे सीढ़ियों से नीचे उतरे और किचन की तरफ भागने लगे ताकि वो उस लेडी पफी की बेटियों को डरा सके। अरे नहीं, अरे नहीं चूहे। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, यहाँ एक नहीं दो दो चूहे हैं। अम्मी बचाएं। लेडी पफी उन दोनों चूहों को बस पकड़ने ही वाली थी लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हो गई। एक सिपाही तशरीफ लाया। कल महल में एक बहुत बड़े जश्न का इनेकाद किया गया है। शहजादे के लिए शहजादी का इंतखाब होना है। हर शहर की लड़कियां जो शादी के अहल हैं वहां पे आएं। जैसे ही उन्होंने पार्टी का नाम सुना सिंड्रेला की सौतेली बहनें जल्दी से अपने कमरे की तरफ जा पहुंची और उस शाम के लिए वो अपने कपड़े निकालना शुरू हो गए। और लेडी पफी भी यही चाहती थी कि उसकी बेटियां खूबसूरत लगें। इसीलिए लेडी पफी की दोनों बेटियों ने सिंड्रेला को अपने लिए नए कपड़े सीने को कहा। तीसरा दिन आन पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थक चुकी थी। उसके दोस्तों ने भी उसे जगाने की बहुत कोशिश की। सिंड्रेला, सिंड्रेला उठो, तुम्हें जाना है, आंखें खोलो।
लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है और ये कपड़े मेरे गंदे हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोनों चूहे सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। व्हाइट पिजन ने उस सफेद कपड़े को हटाया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये कितना अच्छा लग रहा है। सिंड्रेला ने अपने नए कपड़े पहने और अपने बाल बनाए और नीचे की तरफ चली गई। लेकिन सिंड्रेला की दोनों बहनें उसे देखकर बहुत जेलस होने लगी। लेडी पफी ने जब देखा कि सिंड्रेला इतनी खूबसूरत दिख रही है तो वो नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए, तो उसने फायरप्लेस के अंदर कुछ बीन्स डाले और सिंड्रेला को कहा कि अगर वो ये उठा सकती है तो वो पार्टी में जा सकती है। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर इस फायरप्लेस में से बीन्स उठा ली तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो। सिंड्रेला को उस पार्टी में कुछ भी कर जाना था और इसीलिए वो बीन्स को उठाने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी मदद करना चाही और 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने उन बीन्स को उठाकर वापस बाउल में रख दिया। सिंड्रेला जल्दी से लेडी पफी के पास गई जो कि जाने ही वाली थी और उसने उन्हें बॉल दिखाया। लेडी पफी अभी भी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला पार्टी में जाए और इस बार उसने सिंड्रेला के गंदे कपड़ों को अपना निशाना बनाया और वो सिंड्रेला को छोड़कर चले गए, सिंड्रेला को घर पर छोड़कर पार्टी की तरफ। बेचारी सिंड्रेला बहुत उदास थी। वो गार्डन में बैठकर बहुत देर तक रोई, एक पेड़ के नीचे बैठकर, और वो पेड़ उसकी माँ ने उगाया था। और तभी वो पेड़ अचानक से हिलने लगा और चमकने लगा और एक खूबसूरत परी सिंड्रेला के सामने आई। मेरा नाम है लिया बेल और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उदास मत हो, तुम भी उस पार्टी में जरूर जाओगी। लेकिन मैं इस हालत में पार्टी में कैसे जाऊंगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मुझे सिर्फ एक पम्पकिन चाहिए और बाकी चीजें यहाँ पहले से मौजूद हैं। सिंड्रेला अपने हाथ में एक पम्पकिन लेकर वापस आई। वो परी अपना जादू इस्तेमाल करना शुरू हो गई और उस पम्पकिन को उसने एक कोच में बदल दिया। उन चूहों को घोड़ों में और पिजन को एक खूबसूरत से ड्राइवर में। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। लियाबेल, तुमने ये सब कैसे किया? परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत ब्लू ड्रेस दे दिया और उसके पास बहुत ही अच्छे जूते भी आ गए। मैं तो एक शहजादी की तरह लग रही हूँ। शुक्रिया लियाबेल, अब तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जाओ। परी ने पार्टी में जाने से पहले सिंड्रेला को कुछ बातें बताई। और याद रहे कि तुम्हें 12 बजे से पहले आना है वरना जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात बहुत ध्यान से सुनी और आखिरकार पार्टी की तरफ निकल पड़ी। उस पम्पकिन के कोच ने उस महल के दरवाजे के सामने सिंड्रेला को उतारा। सिंड्रेला अपनी खूबसूरती के साथ महल में जा पहुंची। पार्टी के अंदर तमाम लोग इस सोच में पड़ गए कि इतनी खूबसूरत लड़की आखिर है कौन। लेडी पफी ने अपनी बेटियों को इशारों से बताया कि ये तो सिंड्रेला है। शहजादा लियो सिंड्रेला के करीब आया और उसे सिंड्रेला को देखते ही प्यार हो गया। ऐ खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला को शहजादे लियो के साथ डांस करके बहुत मजा आ रहा था और वो वक्त के बारे में भूल गई।
जब घड़ी 12 बजाने ही वाली थी, उसे परी की बात याद आ गई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना होगा, वरना। सिंड्रेला ने शहजादे को वहीं छोड़ा और महल से जल्दी से भागने लगी। अरे रे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जब सिंड्रेला सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी तो उसके पैर में से उसका एक जूता नीचे गिर गया। इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के उस जूते को उठा सकती, तो वो जल्दी से अपनी कोच की तरफ भागने लगी और महल को छोड़ दिया। शुक्र है वो जाते जाते अपनी एक निशानी छोड़ गई। अब मैं इस सैंडल की मदद से उसे ढूंढूंगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला वापस अपने कमरे में आ गई। वो शहजादे लियो के साथ बिताए हुए डांस के बारे में सोच रही थी और उसे भी शहजादे लियो से प्यार हो गया था, लेकिन शहजादे लियो उसको उसके गंदे कपड़ों के साथ बिल्कुल नहीं पहचानने वाला था। वक्त गुजर गया और शहजादे ने अपने महल के बराबर में एक कमरा बनाया जिसके अंदर सिंड्रेला का जूता रखा हुआ था। जितनी भी लड़कियां इस शहर में रहती थीं, इस जगह आई और उस जूते को पहनने की बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि लेडी पफी और उसकी बेटियां भी उस जगह पर जाने लगी, लेकिन वो सिंड्रेला को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम घर पे ही रुको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो जूता तुम्हारा हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जूता मेरा या कासान्ड्रा का होगा। मैं भी तो दुनिया में रहने वाली एक लड़की हूँ, मुझे भी जूता पहनने की इजाजत है। लेडी पफी ने सिंड्रेला की बात को नहीं सुना। उसने सिंड्रेला को घर के अंदर बंद किया और अपनी बेटियों के साथ चली गई। बदकिस्मती से लेडी पफी की दोनों बेटियों को वो जूते नहीं आए। अगर आप इसे थोड़ा सही से पहनाएंगे तो ये मेरे पाँव में सेट हो जाएगा। रात के वक्त जब कमरे की लाइट्स बंद हो चुकी थी, सिंड्रेला अपने घर से बाहर निकली मोज़रेला और चेडर की मदद से। वो उस कमरे की तरफ जा पहुंची जहां पे वो जूता रखा हुआ था। जैसे ही वो जूता पहनने वाली थी, शहजादा लियो वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तुम जूता खराब कर रही हो। नहीं नहीं, ये मेरा शूज है, ये मेरे पाँव में बिल्कुल सही आ रहा है। ये सच कह रही है, इसका नाम सिंड्रेला है। सिंड्रेला ने वो जूता पैरों में पहना शहजादे लियो के सामने, और वो समझ गया कि वो जूता तो सिंड्रेला का ही है। वो तुम ही थी और वो खुश था। तुम ही थी उस रात जिसके साथ मैंने डांस किया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सिंड्रेला है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सिंड्रेला? सिंड्रेला ने खुशी खुशी शहजादे लियो को हाँ कर दी, जिससे वो प्यार करती थी। उन्होंने एक बहुत बड़े महल में शादी की और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। सिंड्रेला और जादुई केक। एक जमाने का जिक्र है, सिंड्रेला और शहजादा लियो शहर के सबसे बड़े महल में रहा करते थे, और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें बहुत जेलस थीं, क्योंकि सिंड्रेला एक शहजादी थी लेकिन वो नहीं। तो वो अभी भी प्लान बना रहे थे कि किसी तरह सिंड्रेला की जगह खुद को महल में रख लें। सिंड्रेला समझती है कि वो एक शहजादी है, लेकिन वो भूल चुकी है कि वो असल में क्या है। हाँ सही कहा आपने, वो हमारे घर की एक नौकरानी थी। उस पर शहजादी बनना अच्छा नहीं लगता, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। लेडी पफी सिंड्रेला की सौतेली माँ थी और दो बेटियाँ कासान्ड्रा और जेज़ेबेल। वो दुनिया की सबसे अच्छी बेकरी पर गईं।
और जो केक बनाती थी उसका नाम था ज़ीनिया, जो कि लेडी पफी की बहन थी। और असल में वो एक जादूगरनी भी थी जिसकी वजह से कोई उसके पास नहीं आता था। मेरे पसंदीदा लोग, मेरी छोटी बहन पफी और मेरी भांजियाँ। अस्सलामुअलैकुम। हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें सिंड्रेला को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नया प्लान बनाना होगा। तो तुम अभी भी सिंड्रेला के पीछे हो? हाँ। जब तक मेरी बेटियों में से कोई एक शहजादे के पास नहीं चली जाती, मुझे सुकून नहीं पड़ेगा। ओह ठीक, तुम जाके नीचे कमरे में मेरा इंतजार करो। लेडी पफी और उसकी बेटियाँ बेकरी के नीचे वाले कमरे में जा पहुँचे। ज़ीनिया ने एक चुटकी बजाते ही अपने कपड़े चुड़ैल वाले कपड़ों में बदल लिए और वो भी बेकरी के नीचे वाले कमरे में जा पहुँची। तो अब मुझे बताओ कि इस दफा तुमने किस तरह का प्लान तैयार किया है। तुम्हें बड़ा मजेदार और एक लजीज केक बनाना होगा, लेकिन उसमें सामान होगा। लेडी पफी और उसकी बेटियों ने केक के बारे में ज़ीनिया को सब कुछ बताया। दूसरी तरफ सिंड्रेला अपने महल के गार्डन में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और वो खेल रहे थे छुपन छुपाई। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया चैडर। अरे नहीं, मैं पकड़ा गया। चलो देखते हैं कि मोज़रेला कहाँ छुपा हुआ है। तो यहाँ नहीं, उन फूलों के पीछे। टरा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम तो बहुत चलाक हो सिंड्रेला। मेरे ख्याल से नहीं। चलो चलते हैं कुछ खाने के लिए। जब सिंड्रेला और उसके दोस्त कुछ खाने के लिए जा रहे थे तो उन्हें पीछे से आवाजें आने लगी। सिंड्रेला रुको। ओह लेडी पफी और मेरी सौतेली बहनें। ओहो, अब ये कहाँ से आ गई? संभल के रहना, कहीं नुकसान नहीं पहुँचाएं। लेडी पफी और उसकी बेटियाँ एक केक पकड़कर ला रही थीं। वो हल्के हल्के सिंड्रेला के पास गईं। सिंड्रेला, हमारे मुल्क की शहजादी। हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। हम तुमसे माफी मांगते हैं, हमने तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया। चलो अब सारे दिले शिकवे भूलकर हम मिल जाते हैं। हम भी तुम्हारी फैमिली हैं। तो क्या अब हम दोस्तों की तरह रहेंगे? ओह हाँ बिल्कुल। ये देखो, हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बनाया है। सिंड्रेला केक को देखकर बहुत हैरान हुई। वो एक बाइट लेना चाहती थी, लेकिन उसके चूहे दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिंड्रेला वो केक खाए। सिंड्रेला ने अपने दोस्तों की बात नहीं सुनी और केक में से एक पीस खा लिया। और वो ऐसे खा रही थी जैसे वो बहुत भूखी हो। ये सब देखकर लेडी पफी और उसकी बेटियाँ जोर जोर से हंसने लगीं। मजे से खाओ सिंड्रेला। सिंड्रेला को पसीने आने लगे और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसने अपना केक हाथों से गिरा दिया और उसके हाथ छोटे हो गए। उसके बाद उसके पैर भी छोटे और छोटे होते गए। ओह सिंड्रेला, ये तुम्हें क्या हो रहा है? सिंड्रेला अचानक से बहुत छोटी हो गई और वो अब एक चूहे जितनी हो चुकी थी। अरे नहीं, मैं तो छोटी हो गई हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं इतनी छोटी हो गई हूँ। सब चीजें इतनी बड़ी और खतरनाक दिख रही हैं।
ये देखो, ये हमारे मुल्क की शहजादी है, इतनी छोटी, बिल्कुल एक चूहे की तरह। अगर शहजादे लियों ने तुम्हें इस तरीके से देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ के किसी दूसरी शहजादी को ढूंढ लेगा। चलो लड़कियों, काम पे चलते हैं। चलो चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। शहजादे लियो, हम आ रहे हैं। पफी और उसकी बेटियों ने बस सिंड्रेला पर पैर रख ही दिया था, क्योंकि वो शहजादे लियो से मिलने की बहुत जल्दी में थे। ओह, देख के चलो, ये सब कैसे ठीक होगा। फिकर ना करो सिंड्रेला, हम उस दरख्त के पास जाकर उस परी से मदद मांगते हैं। हाँ हाँ, चलो कहीं इससे पहले कि शहजादा तुम्हें इस हालत में देख ले। सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्त जल्दी से वहाँ से निकल गए, और सिंड्रेला के लिए बाकी सब चीजें बहुत बड़ी थीं। सब कुछ कितना बड़ा दिख रहा है, क्या तुम लोगों को भी सब कुछ रोज इतना ही बड़ा दिखता है मेरे दोस्तों? और जब वो महल के गार्डन से निकल रहे थे, शहजादा लियो वहाँ आ पहुँचा। जैसे ही सिंड्रेला ने शहजादे लियो के जूते देखे, वो जल्दी से पीछे जाकर छुप गई। तो तुम दोनों चूहे यहाँ घूम रहे हो, तुम्हें पता है सिंड्रेला कहाँ है? मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो किसी सफेद घोड़े पे गई होगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बहुत शुक्रिया। जब शहजादा लियो वहाँ से चला गया, सिंड्रेला वहाँ से बाहर आई जहाँ वो छुपी हुई थी। जल्दी करो सिंड्रेला, हमें तुम्हारी बहनों से पहले वहाँ पहुँचना है। सिंड्रेला और उसके दोस्त वहाँ से जल्दी से भागने लगे उस हेजलनट के पेड़ के पास। दूसरी तरफ कसांड्रा और जेजाबेल तैयार हुए और शहजादे लियो की तरफ निकल पड़े। मेरे बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, शहजादे लियो इसे देखते ही रह जाएंगे। प्रिंस लियो तो मुझे देखते बेहोश हो जाएंगे। सौतेली बहनें शहजादे लियो के महल आ पहुंची, और सिंड्रेला, चेडर और मोज़रेला आखिरकार उस हेजलनट के पेड़ पर आ पहुंचे। वो भाग भाग कर थक चुके थे। सिंड्रेला ने अपने हाथ उस पेड़ पर रखे और लिया बेल को बुलाया। लिया बेल, लिया बेल, आप जहाँ भी हैं जल्दी से यहाँ आ जाएं। थोड़ी देर बाद लिया बेल वहाँ आन पहुंची। सिंड्रेला, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने केक खा लिया था जो कि पफी मेरे लिए लाई थी, और मैं उसे खा के छोटी हो गई हूँ। मुझे पता है, मैं तुम्हें वापस से पहले जैसा कर लिया। बेल ने सिंड्रेला की आंखों में फौरन देखा और अपनी जादुई छड़ी 3 दफा घुमाई, लेकिन सिंड्रेला बढ़ने के बजाय और छोटी होती गई। नहीं, ये क्या हुआ, ये तो चींटी से भी ज्यादा छोटी हो गई। ओह नहीं, इस बार लिया बेल ने और भी ताकतवर जादू इस्तेमाल किया। और आखिरकार सिंड्रेला वापस बड़ी हो गई। तुमने कर दिखाया लिया बेल, तुमने कर दिखाया। हमें जल्द से जल्द महल जाना होगा। दूसरी तरफ शहजादा लियो सिंड्रेला को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और वापस महल आ चुका था। सिंड्रेला के बजाय उसने जेजाबेल को महल में देखा। जेजाबेल ने शहजादे लियो को अपने प्यार में पागल करने की कोशिश की। शहजादे लियो, देखे मुझे, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, और मेरे ये खूबसूरत बाल, मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ। सिंड्रेला आखिरकार महल में आ पहुंची, और जैसे ही सिंड्रेला आई, कसांड्रा भी शहजादे लियो के पास आई। लेकिन जब शहजादे ने सिंड्रेला को देखा, वो जल्दी से उसके पास पहुंचा। सिंड्रेला, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, तुम थी कहाँ?
सिंड्रेला ने बताया जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, उसने कैसे जादुई केक खाया, वो छोटी हुई और उसके बाद उसने लिया बेल को कैसे बुलाया। सिंड्रेला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा, हमेशा उतना ही प्यार करूंगा। कोई भी शहजादी सिंड्रेला और शहजादे लियो का प्यार नहीं रोक सकता, ना ही लेडी पफी, ना ही उसकी बेटियां और जादुई के। सिंड्रेला और पहेलियों का रास्ता। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर, एक खतरनाक चुड़ैल थी जिसका नाम था जीनिया। वो दिन में एक बेकरी में काम करती थी और एक दिन जब वो ब्रेड बना रही थी तो उसका उल्लू उसके पास आया। उड़ते रहो, बस उड़ते रहो, लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए खबर लाया हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ। मेरी खबर के मुताबिक सिंड्रेला यहाँ पे आने वाली है। चलो लेडी पफी और उसकी बेटियों को ये चल के बताते हैं। जीनिया ने जल्दी से एक खत लिखा अपनी बहन के लिए। उसने लिखा कि सिंड्रेला उसकी बेकरी पर आएगी और अगर वो चाहती है कि उसकी एक बेटी शहजादी बने तो उसे जल्दी से एक प्लान बनाना होगा। जी हाँ, मैं आ गया। हाँ, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं कर लूंगा। उल्लू ने जल्दी से उस खत को लेडी पफी के घर पहुँचा दिया। लेडी पफी ने जल्दी से पढ़ा कि उस खत में क्या लिखा था। कसांड्रा, कैसा बेल? सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को सब बताया जो सब खत में लिखा हुआ था। हम उसे पकड़ते हैं और जादुई कमरे में बंद कर देते हैं। हम उसे गोदाम में लेके जाएं और उसे ढेर के अंदर फेंक दें। नहीं, उनमें से कोई नहीं, हम उसे पहेली के रास्ते में फंसाएंगे। क्या? पर वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ सकेगी। यही तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों में से कोई एक महल की शहजादी बने। लेडी पफी और उसकी बेटियों ने जीनिया को अपने प्लान के बारे में बताना चाहा। लगता है तुम्हें मेरे काम की फिर जरूरत पड़ गई, लाओ कर देता हूँ। और जब सिंड्रेला जीनिया की बेकरी के करीब आई अपने चूहे दोस्तों के साथ। हमने काफी दिनों से ताजे डोनट्स नहीं खाए, है ना? उसकी तो खुशबू ही बहुत प्यारी है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। सिंड्रेला, मोज़रेला और चेडर उस बेकरी पर आखिरकार आ पहुँचे। बेकरी के ऊपर बहुत लोग जमा थे, इसी वजह से उन्होंने ये नहीं देखा कि शहर की शहजादी वहाँ खड़ी है। हट जाओ, शहर की शहजादी यहाँ पे खड़ी है और तुम उसे रास्ता नहीं दे रहे। हटो हटो, जल्दी करो। जब लोगों ने देखा कि शहजादी आई है तो वो सब हट गए और सिंड्रेला को अंदर जाने का कहा। जीनिया ने शहजादी को देख लिया लेकिन उसने आटा अपने मुंह पर लगा लिया ताकि उसे वो पहचान न सके। खुशामदीद शहजादी। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? सिंड्रेला को खुशबुएं आ रही थीं और उसी वजह से वो भूल गई कि उसने क्या खाना था। वो हमें कुछ डोनट्स चाहिए, मिलेंगे क्या आपके पास? हाँ, और थोड़े से ताजी देना कि मजा आ जाए। हमारे मुल्क की प्यारी शहजादी, क्या आप ये गर्मा गर्म ब्रेड लेना पसंद करेंगी? जीनिया ने कुछ ब्रेड और डोनट का पैकेट सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्तों को दे दी और सिंड्रेला खुशी खुशी वहाँ से चली गई। उल्लू, जाओ उन दोनों चूहे में से किसी एक चूहे को पकड़कर पहेली के रास्ते पे ले जाओ। ओहो, फिकर ना करो, जब तुम्हारी बात मुँह से निकली है तो मैं करके ही छोड़ूंगा। उस उल्लू ने बहुत भीड़ भाड़ में सिंड्रेला के कंधे से चैडर को उठा लिया
अरे चलो चलो चलो, जबरदस्त। चेडर। जब चेडर को लेकर उल्लू वहां से चला गया, सिंड्रेला अपनी सौतेली बहने और सौतेली माँ के पास गई। सिंड्रेला, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? एक उल्लू मेरे दोस्त चेडर को अगवा करके ले गया है और हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे। शायद मैंने उसे कहीं देखा है ना लड़कियों? हाँ हाँ, मैंने देखा है, वो उल्लू अपने पैरों में कुछ पकड़ा हुआ था। चेडर, वो चेडर है, बता मुझे वो उल्लू किस तरफ गया है? पहेलियों के रास्ते पर। क्या? और जो उस पहेली के रास्ते पे चला जाता है वापस लौट कर कभी नहीं आता। मत जाना तुम, क्योंकि वो पहेलियां तुम हल नहीं कर पाओगी। उनकी बातों ने सिंड्रेला को बहुत गुस्सा दिलाया और सिंड्रेला सीधा पहेलियों के रास्ते पर निकल पड़ी और उसने कहा कि वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कभी भी नहीं जीत सकती। सिंड्रेला को इतना वक्त नहीं लगा उस पहेलियों के रास्ते को ढूंढने में। रोड के बीच में तीन रस्सियां लगी हुई थी जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लगी हुई थी और बीच में एक गिरहा बंधी हुई थी। मेरे ख्याल से ये पहली पहेली है जो हमें हल करनी है। चलो मौजूरा, तुम यहाँ से पकड़ो और मैं इसे यहाँ से पकड़ती हूँ। साथ मिलकर सिंड्रेला और मोज़रेला आखिरकार पहली पहेली को सुलझा चुके थे और वो आगे की तरफ निकल गए। चेडर, कहाँ हो तुम? इस बार वो एक जिग्सॉ पजल के पास आए। उन्हें लगा कि उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इस पजल को सुलझाने के बाद और वो उस पजल को सुलझाने लगे। ये हो गया, हमने कर दिखाया। ओह, वो देखो, पजल के अंदर जो गुफा दिख रही है वो सामने ही है। लेकिन इस पे तो एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। सिंड्रेला। सिंड्रेला और मोज़रेला उस जगह पर आए जो पजल में बनी हुई थी और उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है जिसके लिए एक अलग से पजल बनाया हुआ था और वो सोचने लगी कि वो उस बड़े पत्थर को कैसे हटाएगी और वो उसके करीब आई। मुझे लगता है हमें इन पत्थरों को उठाकर तरतीब से रखने की जरूरत है, मगर कैसे? सिंड्रेला ने उन पत्थरों की मदद से कुछ करने की कोशिश की लेकिन वो बड़ा पत्थर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। मुझे लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे मॉस। और बिल्कुल तभी सिंड्रेला ने उस पत्थर के ऊपर एक चीज देखी। उधर देखो मोज़रेला, वहाँ टनल पे एक पत्ता दिखाई दे रहा है। सिंड्रेला ने वो पत्ता उठाया जो उसके ऊपर बना हुआ था। सूरज की रोशनी उस पत्ते के अंदर से गई और उस पत्थर को कैसे रखना है वो दिखाया। ओह, हमने ढूंढ लिया, हमें शेप बनाने हैं ट्रायंगल, सर्कल, सिलेंडर और स्क्वायर। चलो बनाएं। जब सिंड्रेला ने पत्थर सही तरीके से रखे, वो बड़ा पत्थर हिला और वो आखिरकार खुल गया। हमने ये भी पार कर लिया मोज़रेला, मुझे ताली दो। सिंड्रेला और उसका चूहा दोस्त गुफा के अंदर गए और आगे चलने लगे। बचाओ, बचाओ मुझे! क्या तुमने सुना? मुझे लगता है कि वो चेडर की आवाज है। सिंड्रेला जल्दी से भागी और चेडर को गुफा के आखिर में एक चीज के अंदर फंसा हुआ देखा। मुझे बचा लो मेरी शहजादी, मैं हिल नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे सिंड्रेला? वो जो तुम वहाँ रंग बिरंगी पानी रखे हुए देख रहे हो, जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता ये ठीक नहीं होगा सिंड्रेला। सिंड्रेला उन रंग बिरंगी जादुओं के पास आई
पीला, नीला, मौसम्बी, गुलाबी, अंगूरी और लाल। अगर हमें सब्ज रंग चाहिए तो सिंड्रेला बहुत चालाक थी। उसने नीला और पीला रंग मिलाया ताकि वो हरा बन सके। ये लो, ये बन गया सब्ज रंग। सिंड्रेला ने दो तीन कतरे चैटर के पैर पर डाले और उसके बाद वहाँ पत्ते आ गए और चैटर बच गया। हुर्रे! शुक्रिया सिंड्रेला। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। सिंड्रेला ने उन दोनों चूहों को अपने कंधे पर रखा और वो महल की तरफ निकल रही थी। नहीं, ये कैसे हो गया? मेरा काम उल्टा कैसे हो गया? और जब लेडी पफी और उनकी बेटियों को ये पता चला तो वो बहुत उदास हो गए। सॉरी लेडीज, मैं आपका काम नहीं कर सका इस बार। ये नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी बहन वाकई बहुत चालाक है। नहीं, ये नहीं होना था। क्या सिंड्रेला हमसे ज्यादा जहीन है? हाँ वाकई वो तुमसे ज्यादा जहीन है, पर अम्मी। हाँ, वो तो मुझसे भी ज्यादा जहीन है। लेडी पफी और उसकी दोनों बेटियाँ अभी भी सिंड्रेला की जगह नहीं ले पाईं। और सिंड्रेला अपने दोस्त को वापस पाकर बहुत खुश थी। अगर एक अच्छे दिल की शहजादी अपने दोस्तों को बचाना चाहे, वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है।